नमस्कार साथियों, मैं हूं लोकेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में दीक्षा मॉड्यूल 5 में शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी समन्वय दिक्कतें आ रही है, उसको सॉल्व कैसे करें, जैसे इसमें किस प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग किया जाना चाहिए। इस चैप्टर के अंतर्गत अतिरिक्त गतिविधियाँ आईसीटी पहलों का अन्वेषण ऐसा एक टॉपिक है, उस पर कैसे आगे बढ़ें, तो देखिए किस तरह से आगे बढ़ना है। इस वाले में अतिरिक्त गतिविधि आईसीटी पहलों का अन्वेषण करें, इस पर जैसे ही इंटर करेंगे OER ये इसमें इंटर कर जाना है और इंटर करने के पश्चात यहाँ पर ई पाठशाला NIC.in पर जैसे इसको टच करेंगे तो ये दिखा रहा है पेज नॉट अवेलेबल, तो इसको वापस आ जाना है, बैक करेंगे, यहाँ कंटेंट छोड़ना ठीक करेंगे और फिर दूसरे नंबर का और जो दिया है गया है उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ जाना है, फिर से बैक होना है, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर NROR पर इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो और दिया गया है gov.in वेलकम, इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से बैक हो जाइए। बैक होने के पश्चात यहाँ कंटेंट छोड़ने कीजिए, फिर से एंटर कीजिए और सभी में इस तरह से जाकर एंटर कर जाना है और फिर वापस हो जाना है आपको। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, इसमें भी पेज नॉट अवेलेबल बोल रहा है, इससे वापस आ जाइए, कंटेंट ठीक है। फिर आगे चलिए, चलाए में जाइए और चौथे नंबर पर क्लिक कीजिए, ये 1, 2, 3 हो गया, नीचे आ जाइए, स्वयं प्रभा और आईसीटी और दीक्षा, ये सभी में इस तरह से इंटर कर जाना है और इंटर करने के पश्चात पुनः वापस आ जाना है। अब सवाल ये है कि इसमें बाहर कैसे आए या आगे कैसे बढ़ें। देखिए इसमें बाहर आने का कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है, देखिए आगे और चल कर देखते हैं तो इसमें आने का रास्ता हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको वापस कैसे आए, क्या ऐसे यदि वापस हो जाएं, यहाँ पर 3 डॉट है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम क्लिक करेंगे प्रेस करेंगे तो क्या यह मॉड्यूल है या पूर्ण होगा कि नहीं होगा, यह चैप्टर पूर्ण होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। चलिए एग्जिट कर देते हैं और एग्जिट करने के बाद यहाँ पर देखिए आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, सिर्फ पीछे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है, तो आप सिंपली पीछे हट जाइए, ठीक है इस तरह से। और यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं ये किस प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसमें राइट का चिन्ह लगा है, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ समय इंतज़ार करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट के पश्चात आप पुनः यहाँ पर सीखना जारी रखें पर क्लिक करेंगे और जैसे ही सीखना जारी रखें पर क्लिक करेंगे ये हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए ये वीडियो स्टार्ट हो गया, मतलब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण में होने वाली समस्याओं से अवगत मैं आप सभी को कराया और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए इस चैनल CG स्कूल एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।